विद्यापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के सभी लोग बहुत मेहनती और दयालु थे। गांव के किसी भी परिवार को कोई समस्या आती तो गांव के सभी लोग मिलकर परेशानी को दूर करते थे। उसी गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। बाकियों की तरह वह भी बहुत ही दयालु इंसान था, मगर उसकी हालत बाकी गाँव वालों से थोड़ी ज्यादा बुरी थी। मगर इस बात से उसे कभी बुरा नहीं लगता था, वह अपने आमदनी से खुश था। मगर रमेश की पत्नी सीता को इस बात से बहुत परेशानी थी। वह हमेशा रमेश को कुछ बड़ा काम करने के लिए कहती रहती थी। सुनिए जी, आप इस गांव से बाहर जाकर कोई बड़ा काम शुरू कीजिए, वरना हमें पूरी जिंदगी ऐसे गरीबों की तरह जिंदगी बितानी पड़ेगी। अरे तुम ऐसा क्यों कहती हो, मैं तुम्हारे सारे जरूरतें तो पूरा करता हूँ, फिर तुम्हें क्या समस्या होती है? क्या जिंदगी सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए होती है? हर इंसान की कुछ अपनी ख्वाहिशें भी होती हैं, मेरी भी है। मगर मैं इस घर की हालत देखकर आपसे कभी कुछ नहीं कहती। गांव में सभी महिलाएं अपने अपने सुंदर सुंदर जेवरात दिखाती हैं और मैं चुपचाप बस उन्हें देखती रहती हूँ। माना कि गांव में बहुत ज्यादा अमीर कोई नहीं है, लेकिन सभी के पास इतना तो है कि वे अपने शौक पूरे कर सके। सीता, तुम आज अचानक ऐसी बातें क्यों करने लग गई? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? खुशी की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह रही हूँ कि अगर आप बाहर जाकर काम करेंगे तो हमारे घर की हालत सुधर जाएगी। रमेश सीता की बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह घर से निकल गया और बाहर जाने की बात पर सोचने लगा। रमेश को दुखी बैठा देख रमेश का दोस्त रामलाल वहाँ आया। अरे भाई रमेश, क्या हुआ? तुम बड़े दुखी लग रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? अब क्या बताऊँ रामलाल, सीता को पता नहीं क्या हो गया है, अचानक ऐसी बातें करने लगी है। क्या हो गया है भाभी को, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? सीता का कहना है कि मैं गांव से बाहर जाकर काम करूं ताकि हमारे घर की हालत सुधर सके। मैं उसके कोई भी शौक पूरे नहीं कर पाता, मेरी आमदनी से सिर्फ घर के खर्चे निकल पाते हैं। मैंने भी कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि सीता को भी किसी चीज की जरूरत महसूस होती होगी। उसने आज तक मुझे कुछ भी नहीं मांगा और मैंने भी उसको कुछ नहीं दिया। ओहो, ऐसी बात है, तो तुम्हें शहर जाकर काम शुरू कर देनी चाहिए। मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है। रमेश घर चला जाता है। सीता, मेरी सामान बांध दो, मैं कल ही शहर जाऊंगा काम ढूंढने। क्या, यह आपने बिल्कुल सही सोचा। अब आप एक बार शहर में काम शुरू कर देंगे, फिर हमारी हालत जल्दी सुधर जाएगी। सीता बहुत खुश हो गई। सीता को खुश देखकर रमेश भी खुश होता है। चलो अब शहर जाकर कोई अच्छा सा काम ढूंढना होगा। अगली सुबह रमेश तैयार होकर शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचकर रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां से शुरू करे। वह सिर्फ इधर उधर देखे जा रहा था, फिर एक किनारे पर जाकर बैठ गया। रमेश को बैठा देखकर एक सज्जन नाम का व्यक्ति वहां आता है। सुनो, तुम यहां पर बैठे हुए हो, क्या तुम्हें पता नहीं ये किस चीज की जगह है? रमेश तुरंत वहां से उठ जाता है। मुझे माफ कीजिए, मैं आज यहाँ पहली बार ही आया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं तो बस यहाँ एक काम ढूंढने आया हूँ। रमेश की बातें सुनकर सज्जन सोचने लगता है, यह यहाँ पहली बार आया है और काम भी ढूंढ रहा है, अगर मैं इसे काम पर रख लूँ तो ये मुझसे ज्यादा पैसे भी नहीं मांगेगा। सुनो, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ, मेरी हीरे जेवरात की दुकान है। जी जी जरूर, मैं बिल्कुल पूरे ईमानदारी से काम करूंगा। सज्जन रमेश को उसी दिन से काम पर आने के लिए कहता है। रमेश अपना सामान लेकर वहाँ काम करने चला जाता है। सज्जन ने उसी दिन से रमेश को काम समझा दिया। रमेश अपने काम को समझकर काम में जुट जाता है। सज्जन ने रमेश से उसके रहने का ठिकाना पूछा। रमेश, तुम यहाँ नए हो तो तुम्हारे रहने का बंदोबस्त मैं कर देता हूँ, तुम आज से ही इसी दुकान के पीछे मेरे गोदाम में रहा करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको नहीं पता आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। रमेश के नए होने की वजह से सज्जन ने उसे कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं दिया था। सज्जन ने रमेश को सिर्फ अंगूठियों को गिनने का और उसे साफ रखने का ही काम दिया था। रमेश के आने से पहले सज्जन के दुकान में पहले से ही दो व्यक्ति काम करते थे।
रमेश के आ जाने के बाद उन दोनों व्यक्तियों में द्वेष की भावना आ गई। वे चाहते थे कि रमेश जल्दी से जल्दी उनकी दुकान से निकल जाए और वे हर वक्त रमेश के काम को बिगाड़ते रहते थे। रमेश यह सब देखता था मगर कभी कुछ कहता नहीं था। रमेश हर रोज अंगूठियों की सफाई किया करता था मगर उनमें से एक अंगूठी ऐसी थी कि उसे रमेश कितना भी साफ कर ले उसकी चमक आती ही नहीं थी। मैं इस अंगूठी को कितना भी साफ क्यों ना कर लूं, इसकी चमक कभी आती ही नहीं है। लगता है मालिक को इस अंगूठी के बारे में बताना पड़ेगा। रमेश की बातें वे व्यक्ति सुन लेते हैं। उन दोनों ने सोचा कि यह अंगूठी को चुरा लेते हैं और इसका इल्जाम वे रमेश पर लगा देंगे। रात होते ही उन दोनों ने दुकान के कैमरे को बंद कर दिया और फिर वह अंगूठी को चुरा कर वहाँ से चले गए। अगली सुबह जब रमेश दुकान पर काम करने आया तो उसने पहले की तरह दुकान की सफाई की और फिर अंगूठियों की सफाई में लग गया। जैसे ही उसने अंगूठी के डब्बे को निकाला उसने देखा कि उस डब्बे में वह अंगूठी गायब थी जिसकी चमक नहीं आती थी। रमेश भागता हुआ सज्जन के पास गया। मालिक देखो, दुकान से एक अंगूठी गायब है। मैं आपको कल ही इस अंगूठी के बारे में बताने वाला था। मैं इसे कितना भी साफ कर लूं, इसकी चमक आती ही नहीं थी। और आज सुबह जब मैं उसे साफ करने गया तो डिब्बे में वो अंगूठी ही नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दुकान में आज तक कभी कोई चोरी नहीं हुई, अचानक अंगूठी की चोरी कैसे हो सकती है? तभी वो दोनों व्यक्ति बोले, मालिक हमने कल ही रमेश को उस अंगूठी को बड़े गौर से देखते हुए देखा है, जरूर इसी ने ही उस अंगूठी को चुराया है। सज्जन रमेश पर बहुत गुस्सा करता है। रमेश मैंने तुम्हें एक सीधा साधा इंसान समझकर अपने दुकान में काम पर रखा था और तुमने मेरे ही दुकान पर चोरी करना शुरू कर दिया। जल्द से जल्द मेरी अंगूठी मुझे वापस करो। मालिक ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो कभी ऐसा करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। तो तुम ही बताओ उस अंगूठी को आखिर किसने चुराया? तुम्हारे अलावा तो और कोई उस अंगूठी को छूता तक नहीं था। मालिक आप मुझे 2 दिन का वक्त दे दीजिए, मैं पता लगाता हूँ कि आखिर कौन मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। रात होते ही रमेश गोदाम पर सोने गया तब उसे एक सपना आया जिसमें एक अंगूठी थी। रमेश अंगूठी के पास गया तो अंगूठी ने उससे कहा, मैं ईमानदार लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देता हूँ। जो चोर है वह जरूर सामने आएगा, बस तुम अपनी ईमानदारी के साथ काम करते जाओ। रमेश सपने के बारे में नहीं समझ पाया कि आखिर वो सपना अंगूठी के बारे में कहना क्या चाहती थी। अगली सुबह जब रमेश दुकान पर काम करने आया तब उसने देखा वहाँ एक ग्राहक आया हुआ है जिसने हूबहू वैसी ही अंगूठी दिखाने को कहा जैसी अंगूठी चोरी हो गई थी। रमेश के बहुत अंगूठियां दिखाने के बाद भी वह ग्राहक अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है और टेबल पर रखते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही अंगूठी चाहिए। रमेश उस अंगूठी को देखकर एकदम चौंक जाता है क्योंकि वह बिल्कुल वैसी ही अंगूठी की तरह दिख रही होती है जो चोरी हुई थी। आपको ये अंगूठी कहाँ से मिली? मुझे ये एक दुकानदार ने बेचा। ये अंगूठी मुझे और मेरी पत्नी को बहुत पसंद आ गई, इसीलिए मुझे ठीक ऐसी ही एक और अंगूठी चाहिए मेरे बेटे के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि ये अंगूठी आपने किस दुकान से खरीदी है? मैंने ये अंगूठी यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक दुकान है वहाँ से खरीदी है। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी दूसरी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप मेरी मदद करके कृपया आप मेरे साथ उस दुकान पर चलेंगे? रमेश और ग्राहक दोनों उस दुकान पर जाते हैं जहाँ से उसने अंगूठी खरीदी थी। क्या यही वो दुकान है? हाँ। रमेश दुकान के अंदर जाता है और दुकानदार से पूछता है कि वह अंगूठी उसे कितने में बेची। कल आए थे 2 व्यक्ति, उन्होंने कहा कि वो यह अंगूठी बेचना चाहते हैं तो मैंने खरीद लिया। रमेश समझ गया कि वे और कोई नहीं उसके साथ काम करने वाले ही 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने उसके साथ यह साजिश किया, क्योंकि वह पहले भी उसके साथ बहुत बुरा कर चुके थे। रमेश ने कुछ समय के लिए वह अंगूठी ले ली और दुकान पर वापस चला आया। वहां आकर उसने सज्जन को सारी बातें बता दी। सज्जन अपने दोनों कर्मचारियों पर बहुत गुस्सा होता है। सज्जन ने दोनों कर्मचारियों से उस अंगूठी के बदले लिए हुए पैसे लौटा दिए और अंगूठी अपने पास रख लिया। सज्जन ने अपने दोनों कर्मचारियों को काम से निकाल दिया। रमेश तुमने इतनी जल्दी ये पता कैसे लगा लिया कि
इन्हीं दोनों ने अंगूठी चोरी की थी? मालिक, पता नहीं, पर मुझे लगता है मुझे कल रात सपना आया था। सज्जन उनकी बात सुनकर हंसने लगता है और उसे काम पर वापस रख लेता है। रमेश उस अंगूठी को साफ करके रख ही रहा होता है, तभी उस अंगूठी में से आवाज आई। देखा रमेश, भले लोगों के साथ हमेशा भला होता है। तुम बोल सकते हो? मैं एक जादुई अंगूठी हूँ। मैं हर इंसान की मदद करता हूँ जो ईमानदार हो, और मैं कई दिनों से इन दोनों व्यक्तियों को देख रहा था जो अपने काम के प्रति बिल्कुल ईमानदार नहीं थे। आज मैं तुम्हारी सहायता से इन दोनों को यहाँ से भगा सका। शुक्रिया रमेश। रमेश वापस से काम करने लगा और अच्छे पैसे कमाने लगा। वह गांव आया और फिर अपनी पत्नी को शहर ले आया और दोनों खुशी खुशी उस शहर में बस गए। राम ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी क्या हम नई घड़ी खरीद लें? क्योंकि यह घड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है। नहीं राम, यह घड़ी यहीं रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। पर क्यों दादाजी, इस घड़ी में ऐसा क्या है? राम, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम नहीं समझ सकते। नहीं दादाजी, मुझे सुनना है कि ऐसी क्या बात है इस घड़ी में। राम यहाँ आओ, दादाजी को परेशान मत करो। नहीं, मुझे सुनना है कि आखिर ऐसी क्या बात है इस घड़ी में कि दादाजी हमें नई घड़ी नहीं लाने देते। मेरे सारे दोस्तों के घर नई तरीके की घड़ियां हैं और सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि आ गया पुरानी घड़ी वाला। दादाजी सारी बातें सुन रहे थे। उनको लगा कि अब राम को सब सच बताना ही पड़ेगा। रात को उन्होंने राम को अपने कमरे में बुलाया और उसे घड़ी के बारे में बताने का वादा किया। राम भी उत्सुकता से सुनने लगा। दादाजी राम को अपने बचपन की कहानी सुनाते हैं। तब एक बार उनके गांव में बाढ़ आई थी। उस समय उनके पिताजी गांव के सरपंच थे। सारा गांव मंदिर की छत पर जमा हो गया। पानी उतरने पर जब सब अपने अपने घर गए तो देखा सबके घरों का सामान बह चुका था। दादाजी के घर का भी सारा सामान बह चुका था। बस एक घड़ी दिखाई पड़ रही थी जो उनकी नहीं थी। दादाजी के पिताजी ने गांव में सबसे पूछा कि यह घड़ी किसकी है, पर वह किसी की नहीं थी। और सबसे आश्चर्य वाली बात थी कि घड़ी चालू थी। पिताजी ने घड़ी को टांग दिया कि यह घड़ी जिसकी होगी वह यहाँ से ले जाएगा। लेकिन पिताजी ने यह महसूस किया कि जब भी गांव में कोई मुसीबत आने वाली होती तो घड़ी का अलार्म जोर जोर से बजने लगता और पिताजी को गांव की रक्षा करने के लिए समय मिल जाता। इस घड़ी ने कई बार गांव वालों को और उनके परिवार को मुसीबत से बचाया था। पिताजी के बाद दादाजी सरपंच बने। दादाजी के पिता की मौत के पहले और उनकी माताजी की मौत के पहले भी घड़ी का अलार्म बजने लगा था। यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, जादुई घड़ी है, राम ने कहा। दादाजी आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा भी कभी होता है क्या? जैसे ही राम ने ऐसा कहा अलार्म जोर जोर से बजने लगा। दादाजी और राम दोनों भागे तो देखा कि राम की माँ सीढ़ियों से नीचे गिर गई है और बेहोश पड़ी है। सब माँ को अस्पताल ले गए और माँ सही सलामत बच गई। डॉक्टर ने कहा थोड़ी भी देर हो जाती तो इनको बचाना मुश्किल था। राम ने कहा दादाजी आप सही कह रहे थे कि यह जादुई घड़ी है। अब मैं कभी भी इसे बदलने की बात नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। तभी राम के पापा ने कहा, राम क्या तुमने दादाजी को घड़ी बदलने के लिए कहा था? हाँ पिताजी, मुझे नहीं पता था कि यह घड़ी हमारे घर की सदस्य जैसी है। अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। राम दूसरे दिन स्कूल गया और सारे दोस्तों को उसने यह कहानी सुनाई। पहले तो सभी दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे कहने लगे कि ऐसा नहीं होता, तुम अपने घर की घड़ी बदलना ही नहीं चाहते इसलिए ऐसा बोल रहे हो, और उसका मजाक उड़ने लगा। राम के जन्मदिन वाले दिन राम ने अपने सभी दोस्तों को घर पर बुलाया। राम के काट ही रहा था कि अचानक बहुत तेज घड़ी के अलार्म की आवाज आई। जब देखा तो राम का दोस्त बाथरूम में बंद हो गया था और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था और बहुत जोर जोर से रो रहा था। लेकिन पार्टी के शोर में उसके दोस्त शांतनु का रोना किसी को सुनाई नहीं दिया। दरवाजा खोला गया। जब शांतनु बाहर आया तो सबने पूछा, शांतनु तुम ठीक हो ना? बाथरूम में बंद होने के कारण शांतनु थोड़ा घबरा गया था और वो बेहोश हो गया था। तभी राम के पापा ने डॉक्टर को फोन किया। हेलो हेलो डॉक्टर, आप जल्दी घर आ जाइए। डॉक्टर ने शांतनु को चेक करने के बाद कहा, चिंता की कोई बात नहीं, बच्चा थोड़ा डर गया है,
अभी ठीक हो जाएगा। इतने में शांतनु के मम्मी पापा भी आ गए। उनको सारी बात बताई गई। शांतनु राम का वह दोस्त था जो राम को सबसे ज्यादा परेशान करता था और सबको राम का मजाक उड़ाने के लिए कहता था। उस दिन शांतनु को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और शांतनु ने राम से कहा, राम मुझे माफ कर दो। और उस दिन सबने राम की कही हुई बातों पर विश्वास किया और सभी दोस्तों ने उस दिन से राम को परेशान करना बंद कर दिया। जादुई घड़ी से सभी बहुत प्रभावित नजर आ रहे थे।